सरदार पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। आज हम जिस भारतीय संघ को गणराज्य को देख रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है? 350 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम अगर सरदार साहब 1-1.5 साल के कम अंतराल में न करते तो भारत का अस्तित्व होता क्या? अंग्रेज तो उनको जो करना था वो कर दिया था, सबको मुक्त कर दिया। आप यहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारी रियासतों को जोड़ने का काम और एक मजबूत भारत बनाने का काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार साहब को भी जितना सम्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला, मगर मित्रों इतिहास ऐसा है जो अपने आप को दोहराता है। हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें, काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है, कभी दिखता दबता नहीं है। और आज केवड़िया कॉलोनी में विश्व से सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब की लगाई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। सुभाष बाबू और सरदार पटेल दो ऐसे व्यक्तित्व थे आजादी के आंदोलन के, जिनको भुलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मगर खैर उस वक्त जो हुआ वो हुआ। आज सुभाष बाबू को पूरा देश सम्मान के साथ याद करे, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इसीलिए जहां पर सुभाष बाबू ने ध्वज फहराया था, वहीं पर उसी तिथि पर 75 साल पूरे होने पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया है और एक देशभक्ति की जागृति का ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। और ये द्वीप को भी हम आने वाले दिन में विकसित करने वाले हैं और विकसित कर यहां पर एक भव्य स्मारक सुभाष बाबू की स्मृति में बने, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। और मोदी जी ने सुभाष बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है। और देश की सभी सरकारें और केंद्र सरकार आज पराक्रम दिन को मना रही। एक ओजस्वी तेजस्वी विद्यार्थी जो ICS बना, उस जमाने में ICS बनने का मतलब था पूरे जीवन का ऐसो आराम सुनिश्चित कर देना, मगर सुभाष अलग उद्देश्य थे, पढ़ाई लिखाई करे थे। उन्होंने ICS की एग्जाम अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं दी थी, ICS की एग्जाम पास करने का काम उन्होंने अंग्रेजों को किस प्रकार से यहां कर मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाए इसके लिए किया। ABP News आपको रखे आगे।